नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात कीजिए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। लगातार मध्य प्रदेश में कई नई पार्टियां मध्य प्रदेश में अपनी भूमिका बना रही हैं। कई पार्टी भूमिका बना के उभर भी चुकी हैं। मौलिक अधिकार पार्टी की बात की जाए तो जैसे ही दिल्ली से शुरू हुई है, लगातार भारत के अनेक राज्यों में तैयारी चल रही है। भोपाल की बात की जाए तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं शर्मा जी, राजन जी, क्या तैयारी है मध्य प्रदेश की और क्या भूमिका बनाई जा रही है? मौलिक अधिकार पार्टी निरंतर आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देखती आ रही है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं संविधान की शपथ लेती हैं, संविधान के नाम पर जीतती हैं और बैठ जाने के बाद संविधान का काम नहीं करती हैं, न तो संविधान की बात करती हैं, संविधान भूल जाती हैं। जैसे मैं आपको इंगित करा दूं कैसे संविधान भूल जाती हैं, एक छोटा सा ज्वलंत उदाहरण है। हमारे संविधान के भाग चार के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका अनुच्छेद 39 क ख ग यदि लागू कर दिया जाए जो संविधान की में इंगित है तो शायद देश की जनता को भीख जैसी मांगे न मांगनी पड़े, भीख जैसे उनको रोजी रोजगार के लिए तरसना न पड़े, सारे समाधान हो जाएंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस सब्जेक्ट पे लोगों को उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के मध्य प्रदेश तक लोग पढ़ाने का काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जब संविधान को पढ़े तो उन्होंने पाया कि 39 का में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सबको रोजगार के पर्याप्त साधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए आप देखते होंगे जब किसी देश के किसी प्रदेश में, किसी जिले में, किसी कोने में भूखमरी से किसी आदमी की, किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो पूरा सरकारी अमला इस बात को छिपाने में लग जाता है कि नहीं वो भूख से नहीं मरा है बल्कि बीमारी से मर गया है, किसी और कारण से मर गया है, जबकि वस्तुतः वह भूख से मरा हुआ व्यक्ति होता है। क्योंकि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, संविधान में निहित है, लेकिन आज तक सरकारें किसी को भी रोजगार मुहैया नहीं कराई। 1 करोड़ रोजगार देने की बात की थी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो क्या रोजगार युवाओं को मिला कि नहीं मिला? आप लोग खुद कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला, तो उसको मैं यही व्याख्या करना चाहता हूं कि रोजगार के पर्याप्त साधन मुहैया कराना है जीविकोपार्जन के, न कि रोजगार दे देना है। क्योंकि रोजगार सरकारें कुछ चिन्हित करके कुछ लोगों को देती हैं। संविधान कहता है कि इस देश में जितने लोग निवास करते हैं सबको जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मुहैया कराना है, लेकिन ये रोजगार के नाम पे कुछ लोगों को इंगित करके 1,500-2,000 लोगों को रोजगार दे देते हैं और कोरम पूरा कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। फिर संविधान 39 ख कहता है, 39 ख कहता है कि रोजगार के पर्याप्त साधन कहां मुहैया कराना है, तो कहता है कि जल जंगल जमीन में। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 39 ख में कहता है कि देशवासियों को जल जंगल जमीन में हिस्सेदारी मुहैया कराओ, पर्याप्त जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन दो। इसलिए कि जो लोग जमीनी भाग में, मैदानी भाग में हैं, उनको जमीन में हिस्सेदारी दो, जो लोग जंगल में हैं उन आदिवासियों को जंगल में हिस्सेदारी देकर के, भागीदारी देकर के उनके जीविकोपार्जन का साधन दो, जो लोग नदियों के, समुद्रों के, झीलों के किनारे हैं, हमारे मछुआरे भाई हैं या इस तरह के और भी जातियां हैं, उनको जल में भागीदारी दे करके, जंगल में भागीदारी दे करके उनको जो है उनके जीविकोपार्जन का साधन दो। अध्यक्ष जी हमारे साथ राष्ट्रीय जी, आप क्या कहेंगे आज इस मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, इस भोपाल में कुछ संदेश देने आए हैं और कुछ यहाँ से लेने आए, दोनों चीजें हैं कि भोपाल की स्थिति परिस्थिति क्या है
और यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये मौलिक अधिकार पार्टी है और मौलिक अधिकार जो है संविधान का भाग तीन है। भारत के संविधान का जो भाग तीन है उसमें भाग तीन में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो चूंकि यहाँ पर हमने जब संविधान का अध्ययन किया तो ये पाया कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है तो उस भारत के संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा गया है कि देश के जो नागरिक हैं उन्हें जाति धर्म नहीं है। इस देश में जो नागरिक हैं जो रह रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा गया हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों को क्या चाहिए? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय चाहिए। यानी सामाजिक न्याय का मतलब है देश में समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर आधारित समाज रचना चाहिए। समता माने समाज में बराबरी हो, स्वतंत्रता माने आजादी हो, समता स्वतंत्रता और न्याय सबको मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, और बंधुत्व माने भाईचारा हो। ये भारत के संविधान का पहला है कि सामाजिक न्याय, यानी क्या कहते हैं कि सामाजिक न्याय। दूसरा है कि आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब है देश है 75 साल आजादी के गुजर गए हैं लेकिन आज देश की 77% जनता 20 रुपए रोज पर गुजारा कर रही है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो जिस देश में 75 साल में और 77% लोग, मतलब क्या हुआ 105 करोड़ लोग 20 रुपए रोज पर गुजारा कर रहे हैं, तो भाई उनका स्थिति कैसे बदलेगी? तो सामाजिक आर्थिक हो गया। राजनीतिक न्याय की बात कीजिए तो जो परंपरागत पेशेवर जातियां हैं, चाहे वो नाई हो, बढ़ई हो, तेली हो, तमोली हो, कुमार हो, कहार हो, विश्वकर्मा हो, ऐसी जातियां इनकी शासन प्रशासन में भागीदारी, चाहे क्या मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यानी देश में इनकी भागीदारी अभी तक नहीं मिल पाई। तो जिसकी राजनीतिक भागीदारी भी, इनको राजनीतिक भागीदारी देना, तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। और भारत की प्रस्तावना के साथ साथ यानी जो प्रजातंत्र के चारों स्तंभ हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता जुड़े हैं, तो प्रजातंत्र के चारों स्तंभ में से जो विधायिका है, विधायिका का काम है यानी क्या कहते हैं नीति बनाना, यानी विधायिका नीति बनाएगी और उस नीति को लागू करना, नीति और क्या कहते हैं मौलिक अधिकार पार्टी देगी, ये संकल्प ले लिया है। आप देख रहे थे राजधानी समाचार से नियमित समय की रिपोर्ट भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।